नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं वीसी चौहान, आपका फेवरेट फिजिक्स एजुकेटर, आज आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स में बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग सवालों को। आइए उनको सीखते हैं। देखिए क्या है, सपोज कीजिए यहाँ पर एक ये ब्लॉक आपको गिवन है। ये ब्लॉक की जो हाइट है ये आपके पास में h गिवन है। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2023 का है। इस सवाल में क्या है, यहां पर एक ब्लॉक है जिसकी हाइट h है और h के इसकी हाइट मान लीजिए 3h मान लेते हैं, और इसके ऊपर एक दूसरी स्लाइडिंग सरफेस रखी है इस तरह से, और ये जो सरफेस है ये कैसी सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है। ये आपके पास में स्मूथ सरफेस है और इसके ऊपर यहां से आप एक किसी ब्लॉक को u इक्वल टू जीरो से आपने रिलीज किया। जैसे ही रिलीज करेंगे ये यहां पर पहुंचेगा इस पॉइंट के ऊपर, तो यहां इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। और यहां से जब ये फ्री फॉल करता है तो इस तरह से ये यहां पर मान लीजिए फॉल कर रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए ये रेंज कितनी होगी। ये रेंज आपको अगर निकालनी हो तो कैसे आप इस तरह के सवालों को सोल्व करते हैं, आओ सीखते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, मान लीजिए यहां पर इसको ए पॉइंट और इसकी हाइट यहां पर कितनी है, एच है। तो जब ये बॉल ए पॉइंट से पॉइंट पे पहुंचेगी तो क्या होगा, तो आप इसमें एनर्जी कंजर्वेशन से आप इसकी यहां पर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसको लिख लीजिए आप डेल्टा के। ये बराबर होगा बच्चों इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके पास में एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यही एनर्जी कंजर्वेशन होता है। जब ये बॉल यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचेगी तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो जाएगी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि यहां यू जीरो है, यहां पर इसकी स्पीड वी है, मास एम है बॉल का, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो चेंज कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, यानी कि फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा उसको आप लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। इसी तरह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप देखिए, जब ये ए से बी पर पहुंचती है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कम हुआ इसका, एच हाइट कम हुई है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हो जाएगी, जितनी डिक्रीज हो जाएगी वो कितनी होगी, एम जी एच। तो यहां एम से एम तुम काट देंगे तो वी का जो मैग्नीट्यूड आपके पास में बन के आता है वो कितना होगा, अंडर द रूट टू जी एच, ये आपके पास में बन के आएगा। और फाइंड करना है ये यहां से यहां तक की रेंज, ये कैसे निकलेगी। इसके लिए मान लीजिए ये पॉइंट यहां पर हमने सी पॉइंट मान लिया है, ये सी मान लो, इसको आप डी पॉइंट मान लीजिए, तो सी से डी तक की जो डिस्टेंस होगी इसको आप रेंज बोलते हैं। इसको कैसे फाइंड करेंगे इसको भी आपको सीखना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम बात करें रेंज की, रेंज कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए आप यूज करना पड़ेगा आपको जो काइनेमेटिक्स होती है, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन नंबर टू। कौन सी इक्वेशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आपके पास में है। तो यहां पर एक्स एक्स के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है सी से डी तक का वो कितना है, एक्स है, ये हमें फाइंड करना है। यू को आप लिखेंगे यू एक्स, एस को आपने एस एक्स, ए को ए एक्स, तो यू एक्स आपके पास में क्या होता है, इसकी शुरू में जो वेलोसिटी है यहां पर वो कितनी है, वी है, और वी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, अंडर द रूट टू जी एच के बराबर है। तो यहां पर आपने क्या किया, यू एक्स के प्लेस पे इसकी मैग्नीट्यूड पुट कर दिया, अंडर द रूट टू जी एच इंटू टाइम पी। ये टाइम कौन सा टाइम है, ये टाइम वो है जब बी से डी तक ये बॉल नीचे आएगी। ये टाइम कैसे निकालते हैं, इसको भी निकालेंगे हम। यहां पर ए एक्स की वैल्यू जीरो होती है, आपको मालूम है एक्स एक्सिस पे कोई भी एक्सेलेरेशन काम नहीं करता, प्रोजेक्टाइल में जो एक्सेलेरेशन काम करता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में काम करता है, और इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ एयर
ax की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो ax को आपने जीरो पुट कर दिया, तो रेंज का फॉर्मूला आपके पास में क्या बनेगा, रेंज को आप लिख सकते हैं रेंज इक्वल टू अंडर द रूट 2gh इनटू t, ये आपके पास में रेंज का फॉर्मूला बन सकता है। ये t कैसे निकालते हैं, यहां पर किसी बोल को जब यहां से ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला कांसेप्ट यहां पर काम करने लगेगा, ये हाइट कितनी है यहां पर, ये हाइट 3h के बराबर है, तो यहां पर इसके पास शुरू में कौन सी वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यहां पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, तो y एक्सिस के अलोंग अगर हम सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करें s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें s को sy, u को uy और a को आप लिखिए, यहां पर ui कितना है, शुरू में जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन कितनी है, जीरो है, प्लस हाफ ए बाई जी के बराबर होता है इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से टी का जो मैग्नीट्यूड आपके पास में आएगा अंडर द रूट टू की मल्टीप्लाई थ्री एच में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6h अपॉन जी। बी से डी तक आने का ये इसका टाइम होगा, और अगर टाइम आपके पास में आ गया तो एक्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एक्स को, तो ये टी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में यहां पर आपको, तो फाइनली आपके पास कितना बनेगा, एक्स इक्वल टू अंडर द रूट 2gh मल्टीप्लाई अंडर द रूट 6h बाई जी, बाहर आ जाएगा 6 × 2 = 12 को लिख सकते हैं यहां पर इसको, ये बराबर आपके पास में आएगा 2√3 इंटू एच के बराबर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल बच्चों अक्सर इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे सवाल को अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।